सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। अभी बस सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही, और ये वीडियो जो है अपलोड करना था तो सोचा है लास्ट सेक्शन डाल के अपलोड कर दूँ। तो आप लोग ये ब्लॉग देखिए कैसा लगता है बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वापस से पहले की तरह। और नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपनी फैमिली से आप लोगों को, तो उस ब्लॉग को भी डेफिनेटली देखिएगा। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग, तो बिगर टाइम वेस्ट करें चलिए मिलता हूँ आप लोगों को आगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। और अभी इस वक्त निकल रहा हूँ मैं मौसी के साथ नर्सरी, कुछ और पेड़ लाने थे मौसी को जो मौसी लास्ट टाइम नहीं जा पाई थी, तो अभी इस वक्त वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। तो जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। गाड़ी निकालना क्या यार, भारी खड़ी है। गर्म हो रही है यार बहुत, धूप में खड़ी है ना, ठंडी करनी पड़ेगी। चलो आगे मिलता हूँ मैं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स आ चुका था मैं नर्सरी पे इस वक्त, तो आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा टूर करवाते हैं कि कैसे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, और फिर कुछ ही लेने हैं हमको, तो पहले मैं ले गया था आगे, तो आज तो बस थोड़े बहुत ही कुछ लेंगे और फिर जल्दी से चलते हैं दिवाली की तैयारी के घर पे, काफ़ी सारे काम बचे हैं। आज बड़ी थकान थकान सी महसूस हो रही है, काफ़ी दिन हो गया लगातार काम करते करते ना, तो इस वजह से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता, थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ का और फिर लेते हैं फूल वूल अपन। सो वेलकम फ्रेंड्स, घर आ गए थे, कपड़े चेंज दिख रहे होंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही चेंज कराया मैंने, मार्केट से आया हूँ। अब एक दूसरी जुगाड़ करने बैठा हूँ, मैं बना रहा हूँ घर पे एक होममेड फाउंटेन ये टाइप का कुछ। तो देखो घर में मौजूद वेस्ट सामान से ही इसको बनाने की कोशिश है, तो मैं लगाता हूँ कैमरे को बड़े वाले ट्राईपॉड पे और फिर उसके बाद दिखाता हूँ बना के आप लोगों को कि क्या जुगाड़ लगाई है मैंने इसके लिए। तो बिगर टाइम वेस्ट करें जल्दी करते हैं, फिर अंधेरा हो रहा है नहीं तो। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास था ये एक पुराना फ्लावर पॉट, इसकी मदद से, और एक ये पुरानी घर में पड़ी थी छोटी सी मटकी टाइप की, तो इसके अंदर मैंने छेद करके पहले से ये पाइप लगा दिया था, एमसीएम से चिपका दिया था। अब वॉट आई विल डू कि मैं इसे इसके अंदर से डाल दूँगा, निकाल लूँगा। एक ये छोटा सा पंप यूज़ कर रहा हूँ मैं पानी का, तो कूलर वूलर में लगा के। और ये बहुत पहले मैंने इसमें लगाया था पॉट, उसमें से पहले पानी निकालते हैं, थोड़ा पानी भरा हुआ तो खाली कर देता। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो गया, फ्लॉप हुआ ये है कि एक्चुअली जो पानी का पंप उसमें मैंने लगाया है उसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब मुझे एक नया पंप ढूंढ के लाना पड़ेगा। नया मतलब एक दूसरा पंप, थोड़ा कम प्रेशर वाला, छोटा वाला। बाकी काम तो सही कर रहा है वो, तो पानी क्या थोड़ा ज़्यादा प्रेशर की वजह से बाहर फेंक रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद दिख जाए थोड़ा।
तो ये लगा है उप मटका और ये लगा है पंप। तो भी क्या पानी थोड़ा ज़्यादा बाहर फेंक रहा है, इस वजह से पानी पूरा बाहर गिर रहा है, अंदर नहीं जा रहा। मतलब फ्लो तो आ रहा है, कुछ पानी अंदर आ रहा है, कुछ पानी बाहर जा रहा है। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि एक दूसरा पंप लाना पड़ेगा, थोड़ा कम प्रेशर का और उसे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वो तो कल ही कर पाएंगे, तो देखते हैं कल लगा के। बात बन गई तो थोड़ा लाइट वेट लगा के हिस्से को डेकोरेट कर देंगे, हो जाएगी एक बढ़िया सी जुगाड़, गार्डन बहुत अच्छा लगने लगेगा शायद। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज मम्मी थक चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो सोचा बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं भी होटल पे आया था खाना लेने के लिए। आप लोग रोज़ सोचोगे रोज़ रात को बाहर का खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी त्यौहार के चक्कर में दूसरे कामों में इतना बिजी हैं इस वजह से, तो फटाक से ऐसा खाना ऑर्डर करते हैं फिर घर चलते हैं और मतलब पैक करवा के। तो मिलता हूँ आप लोगों को सीधे आगे।